ताजनगरी आगरा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दीवानी के बाहर एमजी रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड लिख हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के वादे को याद दिलाया है। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर आगरा की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग काफी समय से लंबित है। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से अभी तक ताजनगरी आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी के नेतृत्व में एमजी रोड स्थित दीवानी के बाहर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल ने बताया कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद ताजनगरी आगरा में अब तक हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो जानी चाहिए थी, पर अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। आम आदमी पार्टी आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपना मुद्दा बनाते हुए आई है और जीतने के बाद आगरे के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इसी को लेकर आज हम हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं, जैसे यहाँ के कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल जी ने कहा कि जसवंत आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई है, उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया कि हाईकोर्ट की बेंच आगरे में नहीं आ रही है। और आपकी मांगे नहीं मांगे थी क्या? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट की बेंच आगरा में लेके आई जाए, ताकि आगरा की जनता को और आसपास के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है। आगरा में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जाकर पश्चिम में कई हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात कही है। कपिल वाजपेयी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी सिंह बघेल द्वारा आगरा की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है और जनता को वे गुमराह कर रहे हैं। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ताजनगरी आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी आगरा से सिर्फ वोट लेने का काम करती है। हाईकोर्ट के अलावा एयरपोर्ट, बैराज की मांग, स्टेडियम की मांग भी काफी समय से लंबित है, पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से अभी तक ताजनगरी आगरा के बाशिंदों के साथ छल ही किया जा रहा है। हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है, पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी केवल वोट लेंगे आगरा से, भाई राज्य में, केंद्र में, नगर में, सब जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बावजूद भी आगरा को दिया गया कुछ भी नहीं, सिवाय झुंझुने के कुछ नहीं दिया है। आगरा के लिए हाईकोर्ट की बेंच बहुत आवश्यक है। हाईकोर्ट की बेंच का प्रस्ताव, हमारे मंत्री एसपी सिंह बघेल ये झूठ बोल रहे हैं कि इसका आज तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। भाई जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट क्या प्रस्ताव नहीं थी? बगैर सोते जागते किसी को पूरा आयोग बनाकर उसकी रिपोर्ट दे दी। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, उनके मंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को खत्म करने के लिए इस प्रकार के कैंप लगाना शुरू करा है। आगरे के विकास के लिए ये सारे हाईकोर्ट की बेंच और इस प्रकार के कामों को करेंगे। हाईकोर्ट की बेंच आगरे में भाजपा ने चुरा ली, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कर्मों के कारण से, इनकी लापरवाही के कारण से, आगरे के लोगों को द्वैम दर्जे का समझने के कारण से यहाँ से एयरपोर्ट जेवर में चला गया, स्टेडियम का नाम नहीं लेते हैं, अब बैराज बना नहीं पाए। भाई आप आगरे को दोगे क्या? आगरे के लिए काम नहीं करोगे तो करोगे किसके लिए? वोट आगरे से चाहिए, सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, सब कुछ इनको चाहिए आगरा से, लेकिन लौट कर आगरे की जनता को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, बड़ा शून्य दिया। तो आप कम से कम इनको भी एक्सपोज करने का एक बड़ा मौका है और ये तरीका है कि हमने यहाँ कैंप लगाया है, शुरुआत करिए। हमारे मंत्री ने झूठ बोला है कि कोई प्रस्ताव नहीं बना है, प्रस्ताव बना है और प्रस्ताव गया है, और प्रस्ताव जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के रूप में था, लेकिन ये हाईकोर्ट की बेंच को पचा रहे हैं। ये हाईकोर्ट की बेंच आगरे के लोगों को मिलेगी तो सस्ता और सरल अच्छा चीज़ें मिलेंगी, ये लोग इसको देने में शर्मा रहे हैं, ये गलत है और हम इसका विरोध करें। ताजनगरी आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।